दिल्ली एनसीआर में मौसमी उतार चढ़ाव के बीच 10 मार्च को भी जहां सुबह का तापमान सामान्य से नीचे रहा तो वहीं दिन के तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिली। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि सोमवार 11 मार्च से सुबह के तापमान में बढ़ोतरी होगी। हालांकि ये बात अलग है कि बुधवार को एक बार फिर मौसम बदल सकता है। रविवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री कम 10 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। लगातार 6 दिन में ये 9 से 10 डिग्री के बीच ही चल रहा है, जबकि अधिकतम तापमान सामान्य स्तर पर 28.4 डिग्री सेल्सियस रहा। हवा में नमी का स्तर इस दौरान 84 से 29% तक रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग का कहना है कि सोमवार और मंगलवार को दिल्ली में बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 29 से 30 डिग्री और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री तक रह सकता है। मंगलवार रात से नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिमी भारत को प्रभावित करेगा। इसके चलते 13 मार्च को जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की बारिश और बर्फबारी होगी। उधर पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी अलग अलग स्थानों पर गरज और चमक के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में भी 13 मार्च को 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। अलग अलग इलाकों में बारिश भी देखने को मिल सकती है। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि दिल्ली में बुधवार को हल्की बारिश होने से तापमान में फिर कमी आएगी। ऐसे में शुक्रवार को तापमान दोबारा बढ़ने लगेगा। इसके असर से अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास जबकि न्यूनतम तापमान 13 डिग्री तक चले जाने के आसार हैं। जानकारों की माने तो इस बार दिल्ली में अभी तक ठंड बरकरार है। मार्च के पहले 10 दिनों में तापमान सामान्य से नीचे ही रहा है। ऐसे में पहाड़ों पर एक के बाद एक आए पश्चिमी विक्षोभ के चलते ये स्थिति बनी है। चूंकि बीते दिनों मैदानी इलाकों में भी बारिश और ओलावृष्टि देखी गई है, इससे तापमान सामान्य से नीचे बना हुआ है। अब जबकि तापमान धीरे धीरे फिर बढ़ रहा है, एक और पश्चिमी विक्षोभ दस्तक देने वाला है।